सेल्फ राकेश कुमार, मैथ टीचर आप शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, चैप्टर है कंस्ट्रक्शन, चतुर्भुजों की रचना में एक्सरसाइज नंबर 12.3 का अध्ययन आज इस क्लास में करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन में है, एक चतुर्भुज ABCD की रचना करो। तो जो भी क्वेश्चन हो तो पहले रफली डायग्राम बनाते हैं और उसमें दी गई जानकारी को नोट करते हैं। तो इस प्रकार से कैसा भी हो सकता है, ABCD एक रफली डायग्राम बनाया। इसमें कह रहा है BC बराबर 4.2 सेंटीमीटर, BC 4.2 सेंटीमीटर, CD बराबर 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, एंगल बी 75 डिग्री और एंगल सी 140 डिग्री, एंगल सी है 140 डिग्री और एंगल ए है 60 डिग्री, ये 60 अंश है और एंगल डी है 360 अंश, माइनस ए प्लस बी प्लस सी। एंगल डी, डी बराबर, पहले इसको सॉल्व करना होगा, एंगल डी बराबर है 360 माइनस ब्रैकेट एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी। तो 360 माइनस ए है आपका 60 अंश और प्लस एंगल बी है 75 डिग्री और प्लस एंगल सी है 140 अंश। तो 360 माइनस 60 और 140 200 हो गया, 275 डिग्री, ठीक। अब 360 में से 275 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो बराबर 10 में से 5 कम करेंगे तो 5 और यहाँ 5 रह गया, 15 में 7 कम करेंगे तो 8 आ जाएगा, बस 85 अंश आ गया। एंगल डी आपका हो गया 85 डिग्री। इसको बनाने के लिए सबसे पहले अब चूंकि ABC रेखा खींचेंगे, BC रेखा 4.2 सेंटीमीटर की खींचेंगे, BC, और ध्यान दें ये सभी चित्र पेंसिल पटरी और प्रकार के द्वारा ही बनाए जाएंगे। BC रेखा 4.2 सेंटीमीटर की खींची, अब बी को केंद्र मानकर 75 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। तो एंगल बी को अब अपने प्रकार में पेंसिल लगाकर नुकीली सिरे को बी पर रखेंगे और हाफ सर्किल इस तरीके से ड्रा कर देंगे। नुकीला सिरा यहाँ पर रखेंगे, पेंसिल कहीं यहाँ तक आ रहा होगा और हाफ सर्किल इस तरीके से ड्रा कर लेंगे। प्रकार को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कम ज़्यादा नहीं करेंगे। अब नुकीला सिरा यहाँ पर रखेंगे, पहला चाप लगाएंगे ये 60 अंश का होगा, फिर यहाँ से दूसरा चाप एक ऊपर भी लगाएंगे और एक इस लाइन पे भी लगाएंगे तो ये 120 अंश का होगा। अब 120 पर नुकीला सिरा रखेंगे और इस चाप को इस तरीके से कहीं ना कहीं कट कर रहा होगा तो कट कर लेंगे इस तरीके से और एक से होती हुई एक डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे। चूंकि ये एंगल होगा वो आपका 90 डिग्री का होगा, जबकि आपको 90 डिग्री नहीं बनाना है, आपको बनाना है 75 अंश का। तो आप देखिए ये 60 अंश का हो गया और ये 90 अंश का हो गया। अगर हम इन दोनों का आधा कर दें तो 60 और 90 के बीच में दूरी 30 अंश रह गई। अगर आधा करेंगे तो 15 इधर हो जाएगी, 60 और 15 75 हो जाएगी, इसलिए इसका आधा करना होगा। अब नुकीला सिरा 60 पर रखेंगे और एक चाप लगाएंगे, फिर नुकीला सिरा 90 पर रखेंगे और एक चाप लगाएंगे,
इस प्रकार से होती हुई एक रेखा खींच देंगे। ये हमारा 75 अंश का कोण हो गया। चलिए 75 अंश का कोण कौन सा हुआ? ये हुआ है, बीसी हुआ था, तो ए लाइन आपको मिली है। अब देखिए बी पर, सी पर 140 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे, तो इसको 140 अंश को चांदी की सहायता से बना देंगे। तो 140 अंश वो इधर से गिनेंगे 10 20 30 40 50 और ये इस तरफ को ऐसे जा रहा होगा। 140 अंश का कोण हो गया ये 140 अंश। 140 अंश का कोण बनाने के बाद फिर इसमें से 4.5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे, तो 4.5 सेंटीमीटर प्रकार को ओपन करेंगे और सी पर रखेंगे, 4.5 सेंटीमीटर का चाप लगा देंगे। ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर और ये डी बिंदु प्राप्त हो गया। ठीक, अब डी बिंदु से 85 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे, तो 85 अंश का भी प्रकार से बनाने में प्रॉब्लम है, तो चांदे से ही इस लाइन के सापेक्ष 85 अंश का कोण बनाएंगे, तो 90 अंश से थोड़ा सा कम होगा और इस प्रकार से ये ऐसे कहीं ना कहीं इस लाइन को कट कर रही होगी और ये 85 डिग्री होगा, ये अपने आप एंगल 60 डिग्री हो जाएगा और ये ए ए ही होगा। ये रेखा थी 4.5 ए डी, ये भी नहीं मालूम। तो इस प्रकार से हमारा ये चित्र या रचना हो गई। रचना के चरण भी आपको इसके नीचे लिखने हैं जैसा आपने किया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 एक जैसा होगा, इसी जैसा, तो क्वेश्चन नंबर पहले पढ़ के देखते हैं फिर एक जैसा होगा तो आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना करो जिसमें एडी बराबर 5 सेंटीमीटर, सी डी 7 सेंटीमीटर, कोण ए 90 अंश, कोण बी 105 अंश, कोण सी 155 अंश और आपको कोण डी की का मान ज्ञात करना, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। तीसरा भी इसी है, इसी तरीके का, चौथा भी इसी तरीके का है। पांचवें नंबर की बात करते हैं, पांचवें नंबर में है एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना करो जिसमें ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी 4.5 सेंटीमीटर, कोण ए 60 अंश, कोण बी 75 अंश और कोण सी 85 अंश। तो इसके लिए एक रफ्ती डायग्राम बना लेंगे ऐसे, ए बी सी और डी। ए बी सी डी, एक चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना करो जिसमें ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, कोण ए 60 अंश, कोण ए है 60 अंश और कोण बी 105 अंश, कोण बी 105 अंश, कोण सी है 85 अंश, ये 85 डिग्री। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम ए बी रेखा 5 सेंटीमीटर की खींचेंगे, ए बी रेखा 5 सेंटीमीटर की खींचेंगे, ए को केंद्र मानकर 60 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे और 60 अंश का कोण आप प्रकार से बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो ए पर प्रकार का नुकीला सिरा रखेंगे और पेंसिल को कहीं तक इतना खोल देंगे और हाफ सर्किल ऐसे ड्रॉ करेंगे। नुकीले सिरे को, प्रकार के नुकीले सिरे को इस पॉइंट पर रखेंगे और पहला ही चाप लगा देंगे, ये 60 अंश का है, इससे होती हुई एक रेखा इस प्रकार से खींच लेंगे। अब बी, एंगल बी, चूंकि ए पर ए का कोई मापदंड नहीं है या मेजरमेंट नहीं है, इसलिए इसको यहीं पर रोकेंगे और बी भी चलेंगे। बी में यानी बिंदु बी से 105 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचना है, तो बी पर रखकर
एक हाफ सर्किल इस प्रकार से ड्रा करेंगे। यहां पर नुकीला सिरा रखेंगे, पहला 60 अंश का और दूसरा 120 अंश का, और जब 120 अंश का खींचेंगे तो एक चाप ऊपर भी ऐसे खींच लेंगे और बी पर रखकर 120 पर रखकर के चाप एक ऐसे लगा देंगे और ये डॉटेड इस तरीके से लाइन ड्रा कर देंगे। ये 90 अंश का कोण हो गया, ठीक, ये 90 अंश का कोण हो गया और 90 अंश और 120 अंश का आधा करेंगे तो 90 तो इधर है, यहां से यहां तक 90 हो गया और ये 120 है, 90 और 120 यानी 30, 30 का आधा करेंगे तो 15 हो गया, 90 और 15 105 अंश हो जाएगा, तो इन दोनों का आधा कर दें। यहां पर नुकीला सिरा रखेंगे प्रकार का और एक चाप इधर लगा देंगे, यहां पर भी रखेंगे और एक चाप ऐसे कर देंगे, ये दोनों चाप से होती हुई एक रेखा इस प्रकार से हम खींच लेंगे, ये हमारा 105 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा हो गई। इस रेखा पर 105 अंश की रेखा पर 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लेंगे, यानी अपना प्रकार 4.5 सेंटीमीटर खोलेंगे, नुकीला सिरा बी पर रख करके और 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप इसमें लगा देंगे, जहां पर ये चाप काट रहा होगा इस रेखा को, यहां सी बिंदु प्राप्त हो गया। ये कितना था? 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर का ये की रेखा हो गई। अब सी से, सी को केंद्र मानकर 85 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे, तो यहां पर नुकीला सिरा रखेंगे, नुकीले सिरे से भाग सकते नहीं, 85 अंश का कोण बनाने में आपको प्रकाश से प्रॉब्लम होगी, तो इसको चांदे से बना लेंगे, तो इस रेखा के सापेक्ष 85 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे, 90 से थोड़ा सा कम होगा और ये इस प्रकार से इसको कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ये 5 डिग्री हो गया। इस प्रकार से जहां पर ये इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है वो ये बिंदु प्राप्त हो गया, तो इस प्रकार से ए बी सी और नो ये डी बिंदु प्राप्त हो गया, ए बी सी डी इस प्रकार से हमारा चतुर्भुज बनकर तैयार हो गया। तो अब इसके बाद इसमें यहां रचना के पद, रचना जरूर लिखेंगे, रचना के पॉइंट या रचना के बिंदु जरूर जरूर लिखना है। तो एक्सरसाइज नंबर 12.3 में 5 क्वेश्चंस थे, आपके ये पूरे हो गए। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।